हेलो एंड वेलकम टू डेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, देबोश्मिता रॉय को आखिर क्यों दिया ऋषि सिंह ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज। जी हाँ, इंडियन आइडल के सेट से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो आपको आने वाले वीकेंड में पता चलेगी कि किस तरह से ऋषि सिंह ने देबोश्मिता रॉय के चेहरे की मुस्कान के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। साथ ही साथ देबोश्मिता के आंखें खोली, वो जो सोचती है उनकी सोच को भी बदला। क्या हो रहा है इस वक्त इंडियन आइडल में और ऐसा क्या किया ऋषि सिंह ने, कैसा सरप्राइज दिया देबोश्मिता को, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। पर दोस्तों, इंडियन आइडल में मौजूद देबोश्मिता रॉय काफी दिनों से बहुत ज्यादा चुपचाप और परेशान रहने लगी। वो बिल्कुल किसी से ना बात करती थी, ना कहीं घूमने जाती थी और ना जब ग्रुप्स बैठते थे तो उनमें शामिल भी नहीं होती थी। ऐसे में ऋषि सिंह ने की देबोश्मिता से बात कि हुआ क्या है। आपको बता दें कि देबोश्मिता रॉय ऋषि सिंह को अपना भाई मानती है और ऋषि सिंह भी देबोश्मिता को अपनी प्यारी सी छोटी बहन मानते हैं। यही वजह रही कि ऋषि सिंह ने एक बड़े भाई होने के नाते देबोश्मिता से पूछा उसके दिल का हाल। तब देबोश्मिता की आंखें छलक गई और उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील होता है। उन्होंने बोला कि यहाँ सब लोग बड़े बड़े घर से आए हुए हैं, सब इतने बड़े बड़े और अमीर अमीर दिखते हैं, मैं उनके बीच में बैठूं, मैं उनसे क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जब सब लोग यहाँ वहाँ घूमने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उनसे बात नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे कैसे बोलूं। वेल, इसी के बाद ऋषि सिंह एक बड़ा प्लान बनाते हैं और सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट को देबोश्मिता के दिल का हाल सुनाते हैं और उसके बाद सारी की सारी लड़कियां पहुंचती हैं देबोश्मिता के रूम में, जहां पे फुल ऑन पार्टी होती है और ये पार्टी गर्ल्स पार्टी होती है। इसमें एंजॉय करने के लिए सब लोग अलग अलग तरह के बंगाली स्वीट्स लाते हैं ताकि देबोश्मिता को उनके बंगाल की फील दिला सके। और थोड़ी देर बाद लड़के भी आ जाते हैं और छिड़ जाती है अंताक्षरी की महफिल और सब लोग घुल मिलकर देबोश्मिता को खुश कर। और तभी उन्हें ये बात भी समझाई जाती है कि वो अलग नहीं है, वो सब में से एक ही है। उन्हें खुद को ये सोचने से दूर करना होगा कि वो अलग है। वेल, आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपने व्यूज आप जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।